गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर से सेकेंडरी स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था पिछला वीडियो, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपने सीखा, जिसमें हमने दो प्रकार के सेंटेंस आपको बताए थे, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन वॉज नेगेटिव सेंटेंस। यानी पहला तो अफर्मेटिव था, दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव था। दोनों ही पैटर्न आपने सीखे और आज हम चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं उनको भी हम देखेंगे, इसके कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, और ये पास्ट टेंस के जो सभी पार्ट हैं आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक पूरे ही टेंस की पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों ही टेंसेस को मिला के एक एक्सरसाइज जो है वो हम अगले वीडियो में लगाएंगे। तो अभी आपका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और जिसमें आपका जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब हालांकि आपको पता ही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो टाइप होते हैं ना वो दो होते हैं, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो हम दोनों प्रकार के देखेंगे। देखो, फर्स्ट पहला तो है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो यानी हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो ऐसा कोई भी प्रश्न हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब आपको एक बात और बता दूं, पहले भी बताई है आपको, फिर से बता दूं कि जब भी कभी भी किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब जब एक से अधिक आ जाए, जैसे हैज बीन है, हैव बीन है, हैड बीन है, ठीक है, इस प्रकार से विल हैव बीन है या विल बी, इस प्रकार से क्या है कि दो या तीन आ जाए, तो जब भी हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों हेल्पिंग वर्ब को एक साथ ना लिख करके हम बीच में क्या लिख देते हैं, अर्थात पहली हेल्पिंग वर्ब की बात क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा बच्चों हेड के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका बीन, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा आपका सिंस या फॉर और प्लस टाइम, और एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। पूरा आ रहा है आपका, बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क तक आपको सही दिख रहा है। तो पहले हेड का प्रयोग किया, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी हेड लगाएंगे, प्लूरल होगा तो भी हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से केवल एक आएगा, और उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, एक दूसरा पैटर्न वाले इसका वो भी देख लेते हैं। दूसरा है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो हिंदी वाक्य होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड जो है बाकी के बीच में कहीं भी आएगा तो उसको आपको सबसे पहले लिखना होगा, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर वही पैटर्न आपका कि आप लगाएंगे हेड, लेकिन बीन साथ नहीं लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट, बीन, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर हम इधर लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा सिंस, आएगा फॉर, फिर आएगा आपका टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके दोनों पैटर्न जो हैं, ये स्नो वाइसर टाइप क्वेश्चन के लिए और ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन के लिए।
तो इन दोनों के ही एग्जांपल्स हम देख लेते हैं किस प्रकार से होंगे। आप ये समझ लें कि यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन से कहने का तात्पर्य है कि हिंदी वाक्य जो किससे शुरू होते बेटा, क्या से, क्या से, शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है ना, ऐसे वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू हो, ठीक है, तो आप इससे बनाते इसको, क्या अध्यापक पांच दिन से हिंदी पढ़ा रहे थे। क्या अध्यापक पांच दिन से हिंदी पढ़ा रहे थे? चलो अगला देखते हैं। रजत दो वर्ष से दिल्ली में कहाँ रजत दो वर्ष से दिल्ली में कहाँ रह रहा था? देखो क्या सीनिंग आया, लेकिन ये जो कहाँ कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन जो उसका सेंटेंस है आपका। क्या मां सुबह से भोजन पका रही थी? क्या मां सुबह से भोजन पका रही थी? ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे वो एक महीने से वे एक महीने से इस विद्यालय में कैसे पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे। ठीक है ना, ये हो गया। ये चार सेंटेंस हैं, दो हैं आपके यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के और दो ही आपके डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन के। इन चारों ही सेंटेंस को अभी हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और आप भी साथ साथ कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने इनको सही ट्रांसलेशन किया है या नहीं किया है। तो आपको बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस आपका हिंदी में क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड हम कदापि नहीं लिखते, बल्कि हम लिखते हैं उसी टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार। तो यहाँ पे तो कर्ता का वचन देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेड लगती है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे हेड लगा दिया वैसी क्या का अर्थ स्वतः ही आ जाता है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, और सब्जेक्ट है आपका अध्यापक, यानी हो जाएगा हेड टीचर, हेड टीचर। अब मैंने बताया देखो, हेड ले लिया, सब्जेक्ट टीचर ले लिया, अब हम हेल्पिंग वर्ब जो दूसरी है उसको भी यहाँ जोड़ देंगे। आप पैटर्न के अनुसार चल सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे वर्ब है कौन सी। वर्ब आपकी है यहाँ पढ़ाना, पढ़ाने में क्रिया है, पहचान भी कर सकते हो कि जब भी इसे बोलोगे आप तो पढ़ाना ना आएगा बाद में, ठीक है ना, नका उच्चारण आता है। तो पढ़ाने को बोलते हैं हम टीच, पढ़ने को तो रीड बोलते हैं, लेकिन पढ़ाने क्या बोलते हैं टीच, और टीच में क्या जोड़ेंगे आप देख लो। ये देखो आईएनजी जोड़ दी हमने, हो गया हैड टीचर बीन टीचिंग। क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, हिंदी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, कब से, पांच दिन से, ठीक है, क्या अध्यापक पांच दिन से हिंदी पढ़ा रहे हैं, सही है। तो पांच दिन आपका जो है पीरियड ऑफ टाइम है, पांच दिन एक समय की अवधि दे रखी है,
तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर फाइव डेज, और यहां पे इस प्रकार से आप क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम आगे। रजत 2 वर्ष से दिल्ली में कहाँ रह रहा था। आप देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन है जिसमें ये कहाँ आपका ये बीच में आया है और इस कहाँ को ही आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वेयर। उसके बाद क्या हेड आ गया, तो हेड लगा दो क्योंकि यहाँ सिंगुलर पूरे दोनों के लिए हेड लगता है, तो हो गया हेड। सब्जेक्ट क्या है, रजत। उसके बाद क्या है, बीन। तो वेयर हेड रजत बीन। अब यहां पे रहना, रहने को बोलते हैं लिव, तो क्या वेयर हैड रजत बीन लिविंग, तो क्या रजत कहां रह रहा था, कहां पे, इन दिल्ली। कब से, 2 वर्ष से। 2 वर्ष भी आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम है इसका मतलब यहां पे किसका प्रयोग करोगे बच्चों, फॉर टू इयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष तो आपका क्या है, अनिश्चित समय है, कि 2 वर्ष कौन से तो आपको पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हैड रजत बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 इयर्स। क्या माँ सुबह से भोजन पका रही थी। अब आपको ये करना, क्या माँ, अब मैं फिर से वही क्या बाल आ गया, तो देखो बहुत आसान है, हमने बताया था कि आप क्या से क्या करोगे, इसको तो हटा दो और इसके स्थान पर सबसे पहले आप टेंस के अनुसार और आपके कर्ता के वचन के अनुसार साई क्रिया लगा दो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साई क्रिया लग जाएगी आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हेड भी लगता है, तो यहाँ पे केवल लगेगा हेड। अब यहाँ पे माँ के लिए, माँ के लिए क्या आएगा, मदर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बीन, तो हो गया हेड मदर बीन। पकाने को बोलते हैं कुक, और कुक में जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा हेड मदर बीन कुकिंग। ठीक है ना, क्या है, फूड। कब से, सुबह से। अब सुबह आपका पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, सुबह तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कार्य के शुरू करने का एक समय या बिंदु। तो यहां पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का नहीं करेंगे, तो हो गया सिंस। तो क्या हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 हो गए आपके। अब देखें अगला, वे 1 महीने से इस विद्यालय में कैसे पढ़ रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कैसे, तो कैसे के लिए आप क्या लगाते हो बच्चों, हाउ। अब देखना ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, समय के साथ रहे थे, रहा था, रही थी, तो यहाँ पे क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब की हेड लग गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि यहाँ पर दे हो जाएगा, हालांकि ये बहुवचन है लेकिन बहुवचन में भी हेड का प्रयोग ही है, हाउ हैड दे, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, बीन। ठीक है ना, अब आपकी देख लो मेन वर्ब क्या है, तो वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं हम रीड, और रीड में क्या जोड़ेंगे आप, आई एन जी, तो हो गया हाउ हैड दे बीन रीडिंग। अब कहाँ पे, इस विद्यालय में, तो मैं का मतलब इन, इसका मतलब इस विद्यालय का तात्पर्य हो गया स्कूल। अब 1 महीना भी आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, 1 महीना, तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, फॉर 1 मंथ। तो ये आपका हो गया हाउ हैड दे बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 1 मंथ। ठीक है ना, तो ये इसके पैटर्न हैं, और ये सेंटेंस जो हैं इनकी मैंने ट्रांसलेशन करके एक्सरसाइज की है। अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपको यहां मैं बता देता हूं। अब हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं,
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। बस समझ आ गया। पैटर्न तो आपने पहले बनाए हुए थे, जैसे कि सबसे पहले हेड लिखा था, फिर सब्जेक्ट, तो फिर नॉट लगेगा, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, तो फिर नॉट लगेगा। जो भी आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न बनाए थे, उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न में जहां जहां सब्जेक्ट आया है निगेटिव करने के लिए, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो इसको तो आप स्वयं कर भी सकते हैं। हम डायरेक्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रहा था, दो हजार पंद्रह से इस घर में, या मकान कह सकते हैं, नहीं रह रही थी। ठीक है, एक और देख लेते हैं। हमने दो सप्ताह से बाजार क्यों नहीं जा रहा था। ये दोनों ही सेंटेंस, दोनों देखो इंटरोगेटिव है और दोनों में ही देखो नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव निगेटिव हो गए। हम कर लेते हैं। पैटर्न आपको याद होगा, क्या वाले में सबसे पहले क्या लगाओगे आप, हेड लगा दिया, हेड की बात क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। अब देख लो सब्जेक्ट की बात क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो नॉट। बीन को थोड़ा और पीछे किसका देते हैं, ये हो गया बीन। मेन वर्ब क्या है, रहना, तो हो गया लिविंग, इस घर में, इन दिस होम या हाउस। ठीक है, कब से, 2015 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो हो जाएगा सिंस 2015। ये हो गया सेंटेंस। अमित दो सप्ताह से बाजार क्यों नहीं जा रहा था। यहाँ देखो डब्ल्यू एस वर्ड आया है, तो सबसे पहले आप वाय लिखेंगे क्यों के लिए, हेड लगा दिया। सब्जेक्ट आपका क्या है बच्चों, अमित, नकारात्मक है, नॉट का प्रयोग, अमित की बात कर दो, सब्जेक्ट की बात कर दो, तो वाय हैड अमित नॉट, अब क्या बचा, मीन, जाने को क्या बोलते हैं, गो में क्या जोड़ दोगे आएंगी, तो हो गया वाई हैड अमित नॉट बीन गोइंग कहाँ पे, टू मार्केट। समझ रहे हो, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैड अमित, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, गोइंग टू मार्केट, कब से, दो सप्ताह, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर टू वीक्स, आ रहा पूरा स्क्रीन पे, तो हो जाएगा वाई हैड अमित नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर टू वीक्स। बिल्कुल सही है आपका, सही से आ रहा है। ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यहाँ पे पूरे होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट भी आपने पहले सब पढ़ लिए, पास्ट के पूरे आपने पढ़ लिए, अब रहेगा फ्यूचर के। इससे पहले हम इसका एक एक्सरसाइज लगाएंगे, उसके बाद जो है हम फ्यूचर शुरू करेंगे। आप जितने भी ये वीडियोज अपलोड किए हैं 11th क्लास ग्रामर के, उनको आप बखूबी बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि जितनी अच्छी पकड़ आप यहाँ पर बनाते चलोगे, आप याद करते चलें कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है, ठीक है ना, तो उस प्रकार से आपके जो आगे ग्रामर के पोर्शन आएंगे उनमें आपको विशेष रूप से सहायता मिलने वाली है। यदि आप यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, और आप भी भली भांति जानते हैं, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में अभी टेंस के महत्व को देखा है। ठीक है, कि प्रत्येक जो टॉपिक होता है उसमें टेंस का क्या महत्व होता है ये आपको पता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो पिछले वीडियोज हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो अध्ययन में दें, ये जो समय आपको मिल गया है इसका आपको ईमानदारी के साथ सदुपयोग करना है, ताकि आपकी पढ़ाई में ये लाभकारी हो। ठीक है ना, आप
घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।